ये हमारे पास इसका बॉक्स है, मैविक मिनी इसका नाम है, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम अभी इसको अनबॉक्स करके देखने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मज़े से अपनी ज़िंदगी को जो है वो इंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूँ शाबान बलोच और आप देख रहे हैं शाबान बलोच 772 यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ड्रोन के बारे में, ऐसा ड्रोन जो बहुत ही सस्ता पड़ रहा है और प्रोफेशनल ड्रोन, देखने में छोटा है लेकिन इसके काम जो है वो टोटल प्रो मॉडल के हैं। ये आपको पाकिस्तान में 70,000 से 75,000 में मिल जाएगा और ये इस्लामाबाद में आपको साफ़ सुथरी कंडीशन में मिलेगा, बहुत ही कम यूज़ हुआ। और ये जो पीस आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये मैंने लिया है 70,000 रुपये में, ये सिर्फ़ और सिर्फ 12 दफ़ा यूज़ हुआ है, यानी कि इसको टोटल 12 फ्लाइटें लगी हैं, उसके बाद ये फास्ट सेल हो गया और मैंने ले लिया। अब आप पूछेंगे कि यार इतनी कम फ्लाइट में लोग फिर सेल क्यों करते हैं, क्या इसमें कोई फॉल्ट है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में इस्लामाबाद वाले इस एरिया के लोग, हम सब जानते हैं कि अमीर लोग हैं, ये अपने शौक़ पूरा करने के लिए चीज़ें ले लेते हैं। अब ये इसकी जो ओरिजिनल कीमत है, जो न्यू ब्रांड न्यू की कीमत है, वो है 1,15,000 से 20,000 के दरमियान। अब इस्लामाबाद का एक बंदा ड्रोन ले लेता है शौक़ की वजह से, लेकिन क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो एक कैपिटल एरिया है, शहरी इलाका है, वहाँ पे ड्रोन उड़ाने की इजाज़त नहीं है, तो जो बंदा ले लेता है उसको बाद में जब ड्रोन उड़ाने नहीं दिया जाता, पुलिस उसको मना करती है ड्रोन उड़ाने की वजह से, उसके लिए ये ड्रोन जो है वो फारिग हो जाता है और फिर हम जैसे लोग हैं जिनको इसकी तलाश होती है वो हमें आधी कीमत में मिल जाता है। चले आपका टाइम वेस्ट किए बगैर इसके बारे में देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या क्या सामान है और ये किस तरह काम करता है, और इंड के ऊपर मैं इसका वीडियो टेस्ट भी बनाऊंगा। अगर मैं अलहदा से वीडियो बनाऊंगा इसकी टेस्ट के लिए तो वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये हमारे पास इसका बॉक्स है, मैविक मिनी इसका नाम है, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम अभी इसको अनबॉक्स करके देखने वाले हैं, क्योंकि ये डब्बा पहले से खुला हुआ है इसलिए इसकी मैंने सील नहीं खोली। सबसे पहले जो है हमें वो एक इसका बैग मिलता है और बैग के अंदर जो है वो हमारा ड्रोन होता है। ये देखें यहाँ पे ड्रोन है, ये ड्रोन का बच्चा लगता है, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक हाथ के बराबर जो है इसका साइज़ है, लेकिन ये अनफोल्ड होने के बाद थोड़ा सा बड़ा महसूस होने लगता है। ये हमारे पास ड्रोन हो गया। उसके बाद इसके अंदर जो है वो रिमोट कंट्रोलर है इसका। अरे ये क्या, इसके हैंडल कहाँ गए हैं, कैसे चलाएँगे? ये यहाँ पर इसके मौजूद हैं, हमें जो इसके हैंडल मिलते हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। ये हमारे रिमोट के एंटीना हेड्स हैं, ये इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है वो मोबाइल में डाटा केबल लगाने के लिए। उसके बाद ये क्या है, ये हमारे पास है चार्जिंग हब। इसके दो फ़ायदे हैं, एक तो हम मोबाइल वाला चार्जर और पावर बैंक लगा के इसको इसकी 3 बैटरियों को एक वक्त में चार्ज कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आपकी बैटरियाँ फुल हैं, आपको मोबाइल चार्ज करना है, तो आप इसको पावर बैंक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो है हमारा कुछ एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स हैं जिनको हम पर बोलते हैं। उसके बाद एक और बॉक्स भी है इसके अंदर, इसमें क्या है, इसमें डाटा केबलें हैं मुख्तलिफ़, जैसे सी टाइप एंड्रॉयड के लिए। तो ये हमारे पास जो है वो इसका जो बैग है, बैग के अंदर क्या क्या सामान होता है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं डब्बे के अंदर और क्या है। डब्बे के अंदर कुछ और छोटे डब्बे हैं, ये हमारे पास एक बड़ा डब्बा है, इसके अंदर क्या हो सकता है? ओह अच्छा, इसके अंदर जो है वो है इसके प्रोपेलर गार्ड्स हैं यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहे हैं, ताकि अगर आप बिगिनर हैं तो आप इनको लगा के इंडोर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ में, दरख्त में या बंदे के साथ ड्रोन टकराता है, तो ये प्रोपेलर गार्ड जो हैं ये परों को महफूज रखते हैं और अगले बंदे को भी महफूज रखते हैं। उसके बाद इसके अंदर एक और डब्बा है, ये
इसके अंदर जो है वो बैटरी का साइन बना हुआ है, तो इसके अंदर बैटरीज होंगी। जी हाँ, इसके अंदर हमारे पास जो है वो तीन बैटरी हैं। अब ये तीन बैटरियाँ चार कैसे होंगी, उसके लिए हमारे पास जो ये है हमने इसके अंदर लगानी होती है इनको। यहाँ पे देखिए इंडिकेटर इसका शो हो गया, ये मेरे पास बैटरी लो है इसकी, तो ये बैटरी कितनी है, ये बैटरी हमारे पास फुल है, इसके सारे पॉइंट्स ऑन हैं। उसके बाद ये बैटरी भी हमारे पास जो है वो फुल है। तीनों बैटरियाँ ऐसे लगा के हम यहाँ पे चार्जर लगा के चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद एक और बॉक्स भी है इसके अंदर, ये चार्जर साइन बना हुआ है, तो इसमें इसका चार्जर ही होगा, वही मोबाइल वाला चार्जर है लेकिन हाई एम्पियर में है, तो हम इसको मोबाइल से भी चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद एक और छोटा सा बॉक्स, इसके अंदर क्या होगा, कॉपी का साइन बना हुआ है, तो इसके अंदर जहरी बात है इसके कोई यूज़र मैनुअल वगैरह वगैरह, ये मैं बाहर रख लेता हूँ, मैं खुद चलो पढ़ लूँगा। तो अब इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, और कनेक्ट करने के अलावा और इसके जो है वो किस तरह से ये काम करेगा वो देखें। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों के पास मोबाइल तो होगा ही, मोबाइल में एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है जिसको हम प्ले स्टोर में आजकल वो नहीं मिलती, आप उसको गूगल क्रोम से डाउनलोड कर सकते हैं, DJI Fly के नाम से ऐप है, इसके ज़रिए हम कनेक्ट करेंगे। और कैसे होगा, सबसे पहले आपने ड्रोन के अंदर बैटरी लगानी है, ड्रोन के अंदर बैटरी कहाँ लगती है और इसका जो कैमरा है उसके बारे में भी जान लेते हैं। ये कैमरे का प्रोटेक्टर है, इसको हम उतारते हैं, तो ये हमारे पास गिम्बलाइज्ड कैमरा है, ठीक है, बहुत ही वज़न में कम है, 249 ग्राम इसका वज़न है टोटल, आप देख सकते हैं 249 ग्राम, यानी कि 250 ग्राम भी पूरा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे इसका जो है मेमोरी कार्ड का स्लॉट बना हुआ है, मेमोरी कार्ड आपने अच्छी कंपनी का हाई स्पीड यूज़ करना है, अगर आप अच्छा कार्ड यूज़ नहीं करेंगे तो ये उठाएगा ही नहीं, पिक नहीं करेगा। यहाँ पे हमने कार्ड को लगा दिया, अब बारी आती है बैटरी की, तो ये यहाँ पे जो सॉकेट है इसको ओपन करेंगे, तो यहाँ पे बैटरी लगाने के लिए हमें जगह है, तो हम एक बैटरी इधर से निकाल लेते हैं, बैटरी को हम इस तरह लगाएंगे कि इसके जो पॉइंट्स हैं ये इस पॉइंट्स के बराबर होने चाहिए। यहाँ पे पुश करेंगे तो हमारी बैटरी जो है वो इंसर्ट हो चुकी है। उसके बाद ऑन ऑफ करने के लिए हमारे पास यहाँ पे बटन दिया हुआ है, एक दफ़ा बटन प्रेस करके छोड़ के दोबारा 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे तो हमारा जो ड्रोन है वो ऑन हो जाएगा। चलें इसको करके देखते हैं ऑन, ये देखें यहाँ पे प्रेस किया, छोड़ा, फिर प्रेस करके रखा, ये ड्रोन जो है वो ऑन हो गया। इसको प्रोसेसिंग के लिए हम फ्री छोड़ देते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास सेम मेथड है रिमोट कंट्रोलर को ऑन करने का, ऑन ऑफ का बटन है, एक दफ़ा प्रेस करके छोड़ेंगे, दोबारा से फिर प्रेस करके रखेंगे, बीप की आवाज़ के साथ ही रिमोट ऑन हो गया, अब कनेक्ट होने लग गया। तो जब तक ये कनेक्ट होता है हम इसके अंदर मोबाइल जो है वो अटैच कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो डाटा केबल है वो लगेगी मोबाइल के अंदर, जब भी मोबाइल के अंदर हम डाटा केबल को लगाएंगे तो मोबाइल की एप्लीकेशन जो है वो खुद ब खुद ही ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अनलॉक करके देखते हैं, जब हम अनलॉक करते हैं तो एप्लीकेशन जो है वो खुद ब खुद ही ओपन हो जाएगी और हमें इसका जो है वो व्यू ड्रोन का मिलना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ड्रोन के आगे हाथ रखा है, यहाँ पे हमें डिस्प्ले मिल रहा है, ठीक हो गया दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन का इंटरफेस है सेटिंग वगैरह करने के लिए, इस तरह की जो है वो काफ़ी इस तरह लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं आपको एक एक चीज़ बताता रहूँ, तो आपको मेन मेन चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पे रिमोट को कंट्रोल, अपना ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो हैं दो स्टिक्स दी हुई है, ये हमारे पास स्टार्ट करने के लिए, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन में, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसका दूसरा तरीका जो है उसके अलावा हम स्टिक्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
इसको ऑन करने का क्या तरीका होता है, मैं खाली आपको शॉप के अंदर ऑन करके दिखाता हूँ। हम स्टिक्स को, दोनों स्टिक्स को जो है वो अंदर या बाहर की तरफ कोने में ले आएंगे, तो हमारे पास जो है वो ड्रोन स्टार्ट हो चुका है। अब ये लीवर जितना हम अप करेंगे, ये इसका अल्टीट्यूड जो है वो हवा में ऊपर उड़ना शुरू हो जाएगा, नीचे करेंगे तो ये नीचे आएगा। उसके अलावा ये इसी तरह अगर इसको हम आगे की तरफ पुश करेंगे तो ये ड्रोन जो है आगे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ पुश करेंगे तो ये पीछे की तरफ आएगा। चलिए इसको बंद कर देते हैं क्योंकि हमने इस वक्त उड़ाना नहीं है। उसके अलावा जो है हमारे पास ये रिकॉर्डिंग के लिए बटन है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट और स्टॉप के लिए। यहाँ पे हमारे पास जो है वीडियो और फोटो मोड सेलेक्ट करने के लिए दो ऑप्शन दिए हुए हैं। उसके बाद पुरानी वीडियोस देखने के लिए हमारे पास जो है वो व्यू का वीडियोस का ऑप्शन है। तो उसके अलावा ये ऑटो और प्रो के लिए बटन दिया हुआ है, मैनुअल या ऑटो चलाने के लिए। उसके बाद ये सेटिंग्स वगैरह हैं, ये हर बंदा खुद ही तकरीबन कर लेता है, नहीं तो हर बंदे को इतना तो समझ आ ही जाता है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इसको फ्लाई करके इसका जो वीडियो टेस्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उसके अलावा आप मेरा यूट्यूब चैनल सर्च करके शाबान बलोच 772 वहाँ पर भी आप इसकी जो है वो वीडियो टेस्ट देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक तो ज़रूर करना चाहिए, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी मेहरबानी होगी चैनल सब्सक्राइब कर दें, और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट भी ऑडियो वीडियो फ़ोटोग्राफी के हवाले से, गैजेट्स के हवाले से अपडेट्स मिलती रहेंगी। शुक्रिया।